पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर अभी भी तनाव से बने हुए हैं। बुधवार को पुलिस और किसानों के बीच भीषण एक्शन के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान दो दिन के लिए टाल दिया है। वहीं बुधवार को हुए एक्शन में एक किसान की मौत का दावा किया गया है, जिस पर अब सियासत भी होने लगी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि किसानों का पोस्टमार्टम होगा और जो भी इसमें शामिल होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच किसान संगठनों की बड़ी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें किसान संगठन आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा का भी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। और वहीं सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी किसानों ने साफ नहीं किया है कि वो सरकार से आगे बातचीत करेंगे या नहीं फिलहाल, लेकिन दो दिन के लिए ये आंदोलन दिल्ली कूच को रोका गया है और मंथन के बाद फिर आगे की जानकारी दी जाएगी। तो किसानों की ओर से बताया गया है कि दो दिन के लिए आंदोलन को रोका गया है, यानी दिल्ली कूच को रोका गया है। उसके बाद किसानों के बीच ये मंथन किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे लिया जाएगा, और दो दिन के बाद तय होगा कि आखिरकार किसान दिल्ली कूच करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से पांचवें दौर की बातचीत के लिए जो ऑफर दिया है उसको लेकर भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। सरकार की नीयत सबके सामने है कि पीसफुल ढंग से, पुरामन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। बातचीत के लिए हम तैयार हैं और शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। अगर हमारा एक बच्चा शहीद हो गया, ऐसे हालात में बैठक करना मुझे उचित नहीं लगता। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जबरदस्त टकराव के बाद किसान संगठनों ने दो दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। बुधवार को एक किसान शुभकरण की मौत के बाद किसान संगठनों ने फैसला लिया है, अब आज किसान संगठन बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। इस बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है दो दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे, जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों ने दो दिन के लिए आंदोलन भले ही रोक दिया हो, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर 25,000 किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पुलिस को आदेश है कि वो किसी भी हालत में किसानों को बॉर्डर क्रॉस न करने दे। दिल्ली में भी 50,000 से 1,00,000 किसानों से निपटने की पुलिस ने तैयारी की है। पुलिस किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पूरी तरह चौकन्नी है। सूत्रों की माने तो इस वक्त पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान मौजूद है। बॉर्डर के पास करीब 1,200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां हैं। वहीं किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद बुधवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन हुआ। पुलिस और किसानों के बीच दिन भर टकराव होता रहा। किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। ड्रोन से भी किसानों के बीच शेल गिराए गए। ड्रोन को गिराने के लिए किसान भी दिन भर पतंग उड़ाते रहे। इसके साथ ही किसानों ने पानी और गीले बोरों से आंसू गैस के गोलों को नाकाम करने की कोशिश की। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पोकलैंड मशीन और बुलडोजर लेकर किसान पहुंचे थे, तो पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर क्रेन लगा दी। दिन भर एक्शन होता रहा। पुलिस के साथ झड़प में बुधवार को 28 से ज्यादा किसान घायल हुए। घायल किसानों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान एक किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। किसान नेताओं का आरोप है कि शुभकरण सिंह की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है।
इसके बठिंडा वाले लड़के की मौत बुलेट लगने से हुई है, उसके यहाँ पर सर के ऊपर बुलेट लगी है। की नियत सबके सामने है, पीसफुल ढंग से पुरामन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। शोकरण सिंह की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि शुभकरण के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। पर्चा भी होगा, पोस्टमार्टम तो बाद पर्चा करके जांच करांगे तो जेड़े अधिकारी जा जुड़े जिम्मेदार ने शुभकरण की मौत दे उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दो किले का मालक शुभकरण कोई फोटो खिचाने नहीं आया सी, कोई वीडियो बनाने नहीं आया सी, वो अपने दो किलों बचाने आया सी, दो किलों की कमाई का मुल जी फसल है वह मुल मंगना आया सी।